अगली खबर यूपी के लखीमपुर जिले से है, जहां आवास में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। जी हां, खबर है जनपद लखीमपुर खीरी के ब्लॉक पलिया कला का। क्षेत्र के गोविंद नगर कॉलोनी में आवास में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उपजिलाधिकारी से जिलाधिकारी तक शिकायत लिखित किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न ही गोविंद नगर कॉलोनी में कोई जांच हुआ। पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को दिया गया, जो कि बीडीओ का कहना है कि आप जो शिकायत किए हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। आखिर शिकायत करने वाले लोगों का नोटिस कहाँ गया? लेकिन यह सोचने की बात है कि ग्रामीणों का शिकायत करने वालों का नोटिस गायब कर दिया जा रहा है, तो फिर जांच कैसे होगा? शासन व प्रशासन इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? उक्त आरोप चंद्रभूषण मिश्रा, गुलाब चंद आदि लोगों ने लगाया है। देखें संपूर्णा नगर से दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। आपका नाम? गुलाब चंद। तहसील? पलिया। थाना? संपूर्णा नगर। क्या समस्या है आपके गांव की? हमारे गांव की समस्या ये है कि जो भी आवास आए हैं जी, वो आवास अपात्रों के लिए घोषित कर दिया गया है, पात्रों के लिए नहीं है जी। जो भी आवास, जो पात्र लोग हैं वो आवास नहीं पाए, अपात्र लोग आवास पा गए। हाँ, आपने कहीं शिकायत किया? शिकायत हम लोग किए, पलिया भी कर दिए, लखीमपुर भी दिए। उसके बाद जो है कि क्या ब्लाक से कोई अधिकारी जांच करने के लिए आपके ग्राम सभा गोविंद नगर में आया कि नहीं आया अभी तक? कोई नहीं आया था। कोई नहीं आया? खुली बैठक हुई कि नहीं हुई? खुली बैठक नहीं हुई थी। एडीएम साहब को एप्लीकेशन आप लोग दिए थे? जी हाँ। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक? फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपके गांव में कितने आवास आए पड़े हैं? लगभग लगभग 40 आवास आए पड़े हैं। उसमें लोग पात्र भी का पात्र हैं? वो पात्रों का ही है, पात्रों का ही है। फिर भी पैसा खाते में आ चुका है? हाँ, सबके खाते में पैसा चुनने में लग रहा है कि आ गया है जी। ठीक, पूछो क्या पूछना है? पूछना, ये जो सरकारी स्कूल में काम चल रहा है, ये कैसा काम चल रहा है? देखिए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री का निर्माण मनरेगा द्वारा प्रधान प्रतिनिधि श्री संजय जी द्वारा एवं सेक्रेटरी श्री राहुल परिहार जी द्वारा कराया जा रहा है। ये जो काम हो रहा है, ये ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि घटिया सामग्री से काम हो जी, रहा है। जी, ग्रामीणों ने मुझे अवगत कराया कि इसमें लगने वाला सभी सामान जैसे ईंट, बालू, रेत, चंबल, जमला का प्रयोग हो रहा है और ईंटों की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। इस पर प्रधान जी के साथ मैं बैठ के बात करूंगा। और इसमें इस बाउंड्री वॉल का निर्माण में, चूंकि ये पहले भी एक बार गिर चुकी है, इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि ऊपर से नीचे तक इसमें मटेरियल ए क्लास लगाया जाए, क्योंकि यहाँ की जो टोपोलॉजी है वो इस तरीके से है कि बाउंड्री एक तरफ से ऊंची और एक तरफ से नीची है। यदि इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो ये बाउंड्री दोबारा गिर जाए। इस समय कैसी सामग्री लगाई जा रही है? ग्रामीण द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार सामग्री इसमें कतई अच्छी नहीं लगाई जा रही है। कहाँ के निवासी हैं? नगला भीड़ के। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, तनसा ईंट लग रही है। किस में लग रही है? भींत में। दीवार कौन सी? दीवाले में, स्कूल की में, बाउंड्री में। अच्छा, क्या परेशानी है? ये एक जमुना का रेत चल रहा है और पीरा तनसा ईंट चल रही है, जी परेशानी है। दीवाल एक पोत गिर चुकी है, दूसरी पोत लग रही है, तो फिर वही तार रहेगा, जी परेशानी है। अच्छा, इस वाली सामग्री से आप लोग संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम नहीं आते हैं।